खबर टोंक से, जहां पर कोतवाली और सदर थाना पुलिस ने एक संयुक्त कार्रवाई करते हुए तीन शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपियों से डेढ़ दर्जन से अधिक दो पहिया वाहन भी जब्त किए हैं। पुलिस के मुताबिक आरोपी जीतराम उर्फ जीतू यादव, राकेश और लालाराम को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये सभी आरोपी महंगे शौक पूरे करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है, जिससे कई और वारदातों का खुलासा होने की संभावना है। काफ़ी दिनों से शहर के अंदर मोटरसाइकिल चोरी, दो पहिया वाहनों की चोरी की वारदात हो रही थी, जिस पर अंकुश नहीं लग रहा था। तो हमारे DST के इंस्पेक्टर घनश्याम जी, SP साहब के निर्देश से, हमारे निर्देशन से, उन्होंने ऐसे संदिग्ध और निगरानी रखनी शुरू कर दी व्यक्तियों की जो ये मोटरसाइकिल करते हैं। इसमें कल रात्रि को इनको सफलता मिली। तीन व्यक्ति जो जीतराम, राकेश और लालाराम, ये तीनों ही टोंक जिले के हैं, जो शातिर वाहन चोर हैं, जिनसे करीब 18 मोटरसाइकिल हमने बरामद किए हैं, जो पुरानी टोंक थाना, टोंक और कोतवाली।